अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 9th का। तो इसमें टोटल हमारे पास 9 चैप्टर हैं। तो हियर द फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी बायो का तारुफ। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। बायो को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि साइंस क्या है। साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनका मुशाहदा करते हैं, एंड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। और फिर इन ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे हम कंक्लूजन्स यानी नतायज अखज करते हैं। किस लिए? टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, कुदरत के असूलों को समझने के लिए। सो यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है, साइंस इज अ स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। ऐसी स्टडी है जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ऑब्जर्वेशंस बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, तजर्बात किए जाते हैं, एंड लॉजिकल कंक्लूजन आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। और फिर उनकी बेस पे जो है वो नतायज अखज किए जाते हैं कुदरत के असूलों को समझने के लिए। ये यहाँ पे सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बताई गई है। इन एंशियंट टाइम्स द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वॉज नॉट क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट ब्रांचेस एज इट एग्जिस्ट टूडे। वो कहते हैं जी, जो एंशियंट टाइम्स यानी पुराने वक्तों की बात है कि जो साइंस का साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी, ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी जो क्लासीफाई नहीं की गई थी, ठीक है। अभी तो इसको ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसे ही आज मौजूद है, पहले ऐसे नहीं थी। ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वॉज इंक्लूडेड अंडर वन हेड इन एग्जाम्पल साइंस। सारी जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी वो सिर्फ साइंस के अंडर थी, ठीक है। सिर्फ साइंस में सारा ही जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन था उसको बता दिया जाता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरा, ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज मैनी फोर्स, एंड दिस इनॉर्मस साइंटिफिक नॉलेज वॉज देन क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट ब्रांचेज। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा, साइंसदानों ने क्या किया, इसको डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया। पहले सिर्फ साइंस के अंडर थी ये साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, फिर टाइम गुजरने के साथ उन्होंने इसको ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया। अब वो साइंस की ब्रांचेज कौन सी हैं, ये आपने याद रखना है। साइंस की ब्रांचेज हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर साइंस से ये सारी ब्रांचेज निकले, इसमें डिफरेंट ब्रांचेज हैं ये, इसमें फिर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो थी वो इन ब्रांचेज में क्लासीफाई कर दी गई, ठीक है। फिर है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यानी बायो का तारुफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी? बायो मीन्स लाइफ, एंड लॉजी जो है ये लॉगस से निकला है, ठीक है। LOGUS, लॉगस, लॉगस से निकला है। लॉगस का मतलब था स्टडी, तो बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? द स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम बायो में सिर्फ लाइफ की स्टडी करते हैं, यानी जानदारों की स्टडी करते हैं, लाइफ तो भाई है ना जो एग्जिस्ट करी, यानी जिनमें जान है उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जानदारों की बात की जा रही है। तो अगर हम सिर्फ बायो में लाइफ को स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे तो हम नॉन लिविंग्स को भी स्टडी करते हैं। यानी साइंस में हम जैसे वाटर है, ठीक है, तो नॉन लिविंग्स को भी स्टडी किया जाता है। क्यों किया जाता है? यहाँ पे तो बायोलॉजी का मतलब सिर्फ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ है, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप पाया जाता है, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, दोनों में रिलेशनशिप है, इस वजह से हम दोनों को ही स्टडी करते हैं, बायो में लिविंग्स को भी और नॉन लिविंग्स को भी। यहाँ पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी? सो यहाँ पे इसका आंसर है, बायोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ये जिंदगी की साइंटिफिक स्टडी है। द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। अब ये दो, इट इज कम्पोज ऑफ टू वर्ड्स, बायोस एंड लॉगोस, ठीक है, ये दो यूनानी अल्फाज के दो लफ्जों का मजमुआ है, ठीक है। पहला है बायोस, बायोस मीन्स लाइफ, एंड लॉगोस मीन्स थॉट और रीजनिंग, थॉट यानी सोच और रीजनिंग, वजह कि लाइफ क्यों है, वजह तलाश करना, सोचना, ठीक है। तो बायोलॉजी का ये एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। आगे बताया गया, इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के कोर्स में वो स्टडी हाउ मैन हैज थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स। हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे जो है वो लिविंग थिंग्स के बारे में सोचा गया। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, नेचर को अप्रिशिएट करने के लिए, अंडरस्टैंड समझने के लिए, इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर।
हमें नेचर को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम स्ट्रक्चर को स्टडी करें, फंक्शंस को स्टडी करें, ठीक है, एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स के जो एक तो स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, फंक्शंस को स्टडी करना है, एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स और इससे जो मिलते जुलते एस्पेक्ट्स पहलू हैं, ठीक है, उसको भी स्टडी करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड रेमेडीज टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ, फूड, एनवायरमेंट एक्सेट्रा. इसके अलावा जो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो हमें प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन, रेमेडीज टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम हो जाती है रिगार्डिंग हेल्थ, हेल्थ के अकॉर्डिंग, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, फूड खाने से रिलेटेड, एंड एनवायरमेंट और हमारे माहौल से रिलेटेड भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट जो है वो है डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की डिविजन्स और उसकी ब्रांचेस, ठीक है. अच्छा जी, बायोलॉजी की जो है वो तीन मेन डिविजन्स हैं, ठीक है, उसके बाद जो उसकी ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं. सबसे पहले देयर आर थ्री मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की कितनी मेन डिविजन्स हैं? थ्री मेजर, ठीक है, विच स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ द मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम डिफरेंट पहलुओं को, ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स को स्टडी करेंगे. तीन मेन ब्रांचेस कौन, सॉरी डिविजन्स कौन सी हैं? पहली है जूलॉजी, बॉटनी, सेकेंड थर्ड पे है माइक्रोबायोलॉजी. जूलॉजी का मतलब क्या है? इट इज कम्पोज ऑफ टू वर्ड्स, जू एंड लॉजी. जू में क्या होता है? जू, जू मीन्स एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स. एंड लॉजी जो है वो लॉगस से निकला है, तो लॉगस का मतलब क्या था? स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, ठीक है. इसके नाम से हमें यही पता चल रहा है, यही समझ आ रही है. इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर डिफाइन भी देख लेते हैं. दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. ये जो है इसमें एनिमल्स की स्टडी की जाती है. दूसरी थी बॉटनी. दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स. इसमें किसको स्टडी किया जाता है? इस डिवीजन में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं. तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी. देर आर टू वर्ड्स, माइक्रो एंड मैक्रो. व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन देम? माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है, और जो मैक्रो होता है वो होता है लार्ज. लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है? माइक्रो. माइक्रोबायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी स्टडी, ठीक है, छोटे ऑर्गेनिज्म की, स्मॉल ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? द स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है. तो ये था, इसके नाम से ही हमें पता चल रही है इस डेफिनेशन. अब इसके प्रॉपर डिफाइन भी देखते हैं. दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ठीक है. ऐसी डिवीजन जिसमें छोटे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, दीज डिवीजन आर फर्दर डिवाइडेड इन टू ब्रांचेज एज डिफाइन बिलो. फिर इनको, इन डिवीजन्स को, ये जो तीन मेन डिवीजन थी, मेजर थी, इनको फिर मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, जो नीचे यहाँ पे हमें ये डिफाइन की गई है. सबसे पहली ब्रांच जो है वो है मॉर्फोलॉजी. इट इज ऑल्सो कम्पोज ऑफ टू वर्ड्स, मॉर्फ एंड लॉजी. मॉर्फ मीन्स शेप, शेप या स्ट्रक्चर. इसका मतलब होता है, मॉर्फ का मतलब होता है शेप या स्ट्रक्चर. ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी ऑर्गेनिजम्स की शेप या उनके स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है. डिफाइन देखते हैं इसकी. दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और उनकी फॉर्म की जो स्टडी है वो इस ब्रांच में की जाती है, वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है. दूसरी इसकी ब्रांच है एनाटॉमी. इट इज ऑल्सो कम्पोज ऑफ टू वर्ड्स, एना एंड टोमी. एना मीन्स अप, एंड टोमी जो है ये टॉम से निकला है. टोमी टॉम से निकला था, ठीक है. टॉम का मीन्स था कटिंग, टॉम मीन्स कटिंग, ठीक है. यानी किसी बॉडी को आप उसकी कटिंग करके, उसको डाइसेक्ट करके, उसका इंटरनली स्टडी करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है. उसकी अप कटिंग, ऊपर से यानी कट करके इंटरनली स्टडी क्या कहलाती है? एनाटॉमी कहलाती है. तो डिफाइन देखते हैं. द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी. इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो एनाटॉमी कहलाती है.
उसके बाद है हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. टिश्यूज की जो स्टडी है वो हिस्टोलॉजी कहलाती है. टिश्यूज क्या होते हैं, यानी हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट सेल्स से मिलके बनी है, एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट, ठीक है. लेकिन जब वो सेल्स मिलते हैं, मुख्तलिफ सेल्स मिलके आपस में क्या बनाते हैं, वो टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है. तो फिर उन टिश्यूज की जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है वो हिस्टोलॉजी कहलाती है. उसके बाद है सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. किसकी स्टडी, सेल के सेल के स्ट्रक्चर की और उसके फंक्शन की जो स्टडी है, और सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के हिस्से, इनकी जो स्टडी है ये सेल बायोलॉजी में की जाती है, ठीक है. सेल के फंक्शन की, सेल के कि कौन सेल का क्या फंक्शन है, ठीक है, किस तरह के सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और ये सारी स्टडी जो है इसके, ये सेल बायोलॉजी में की जाती है. दिस ब्रांच ऑल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन. ये ब्रांच जो है इसमें सेल की डिवीजन भी होती है, ठीक है. इसके बाद जो है वो है फिजियोलॉजी. इज ऑल्सो कम्पोज ऑफ टू वर्ड्स, फिजियो एंड लॉजी, ठीक है. फिजियो का मतलब होता है फंक्शन. फिजियो मीन्स फंक्शन. एंड लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है. यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी कहलाती है. दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, ठीक है. हमारा ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, तो ये सारे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है. अब इनके फंक्शन की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी कहलाती है, और वो साइंस की यानी बायो की इस शाख में, इस ब्रांच में की जाती है. नेक्स्ट है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स यानी जीन्स, ठीक है. द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स. जीन्स की जो स्टडी है उसके इनहेरिटेंस की इज कॉल्ड जेनेटिक्स. वो जीन्स की सारी स्टडी जो है वो जेनेटिक्स में की जाती है. इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर. इनहेरिटेंस का मतलब है कि उन करेक्टर्स का ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में करेक्टर्स का ट्रांसमिट होना, मुंतकिल होना क्या कहलाता है, ये इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है. नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी. इट इज ऑल्सो कम्पोज ऑफ टू वर्ड्स, एम्ब्रियो एंड लॉजी. एम्ब्रियो का मतलब होता है जाइगोट. जाइगोट एंड लॉजी मीन्स स्टडी. द स्टडी ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी. When two cells are combined, one from male and one from female, ठीक है. जब एक male cell, एक male से और एक female से cell combine होते हैं तो वो आपस में zygote बना देते हैं, जिससे एक नया individual जो है वो बनता है. इसमें उसी की study की जाती है. यहाँ पर लिखा गया, it is the study of the development of an embryo to new individual. Embryo से new individual बनने की जो development की जो उसकी study है वो embryology में की जाती है. के बाद है टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी जो है इसमें हम नेमिंग करते हैं, ठीक है. हमने बायो में डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है वो पढ़ने हैं, बल्कि हर ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम होता है, उसको एक नाम दिया जाता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम उसको दिया जाएगा, उसकी स्टडी जो होगी वो टैक्सोनॉमी कहलाएगी. यानी हमारे पास है जनरल नेम है अनियन, ठीक है, जो आमतौर पर यूज किया जाता है. अब अनियन में जो साइंटिफिक नेम उसको दिया गया है, उसको एक उसकी नेमिंग की गई है, वो है एलियम सिपा, ठीक है. तो जो ये उसको साइंटिफिक नेम दिया गया, ये किसके किस में दिया जाता है, ये टैक्सोनॉमी में दिया जाता है. इस ब्रांच में ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है. इट इज द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. ये नेमिंग की स्टडी है और क्लासिफिकेशन इसमें की जाती है ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में. इसके बाद है पैलेंटोलॉजी. इट इज ऑल्सो कम्पोज ऑफ टू वर्ड्स, पैलेंट एंड लॉजी, ठीक है. पैलेंट का मतलब होता है फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होते हैं,
जब जानदार जो है वो डेड हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, एक्सटेंट होने के बाद जब वो डीकम्पोज होते हैं तो उनका जो डीकम्पोजिशन से जो मैटर बनता है, यानी जो डीकम्पोज होते हैं, ठीक है, उनके फिर डीकम्पोजिशन से एक सॉइल पे एक लेयर बन जाती है, वो जो मैटर बनता है उनके डीकम्पोज होने से वो फॉसिल्स कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है, फॉसिल्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स। के बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट यानी उसके माहौल के और उसके दरमियान जो है वो इंट्रैक्शन क्या है, उसका रिलेशन कैसा है, ठीक है। ये सारी उसकी इंट्रैक्शन जो है माहौल के साथ, ये सारी इसमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी की जाती है। इसके बाद है सोशल बायोलॉजी। सोशियो मीन्स यानी सोशल, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर कैसा है, यानी किसी भी एनिमल का या मैन जानदार की बात हो रही है, ठीक है, तो उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, उसकी जो सारी स्टडी है वो सारी सोशियो बायोलॉजी में की जाती है। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटी। जो सोसाइटीज बना के रहते हैं, ठीक है, तो फिर वो देखते हैं, इसमें देखा जाता है कि उसका सोशल बिहेवियर कैसा है बाकियों के साथ। इसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। इट इज ऑल्सो कम्पोज ऑफ टू वर्ड्स, पैरासाइट एंड लॉजी। पैरासाइट्स मीन वायरसेस। ऑल वायरसेस आर कॉल्ड पैरासाइट्स, ठीक है। जितने भी वायरसेस हैं वो सारे पैरासाइट कहलाते हैं। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है, यानी वायरसेस की स्टडी की जाती है। बायोटेक्नोलॉजी है, ये भी दो वर्ड्स हैं, बायो एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। लाइफ की स्टडी टेक्नोलॉजी की स्टडी, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी लाइफ को एनहेंस कर दे वो क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो बायो में हमने ऐसे फूड प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए हैं जो, यानी फॉर एग्जाम्पल एक इंसान बीमार था, वो रोटी नहीं खा सकता, तो अगर खाएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा, ठीक है। कोई ऐसा बीमारी है जिसमें वो मना है, ठीक है, रोटी नहीं खा सकता। अब उसके लिए हमने ब्रेड जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, वो उसकी जगह रोटी की जगह जो है वो ब्रेड खा के अपना गुजारा करता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो ये सारी जो फूड की प्रोडक्शन है, ये ब्रेड जो है, ये सारा बायोटेक्नोलॉजी, यानी उसकी लाइफ को उसने, ब्रेड ने उसकी लाइफ को इनहेंस कर दिया, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में ही किया जाता है। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए, जो उनकी लाइफ को इनहेंस करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यून यानी हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा डिफेंस सिस्टम, ठीक है। उसकी स्टडी जो है वो इम्यूनोलॉजी में की जाती है। इट इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इनवाइडिंग माइक्रोब्स। यानी इम्यून सिस्टम हमारा, जो अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा सिस्टम दिया है कि अगर हमारी बॉडी में कोई इस तरह के ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया वगैरह अगर एंटर हो जाए जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो वो सिस्टम हमारा उसके खिलाफ फाइट करता है, उसके खिलाफ फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसको डिफेंस सिस्टम या फिर इम्यून सिस्टम कहते हैं। उसके बाद है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या किया जाता है, इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जितने भी इंसेक्ट्स हैं, छोटे हशरात वगैरह हैं, उनकी स्टडी जो है वो एंटोमोलॉजी में की जाती है। फार्माकोलॉजी लास्ट है ये हमारी ब्रांच। फार्माकोलॉजी, फार्मा मीन्स फार्मेसी, ठीक है, वर्ड सुना होगा आपने फार्मेसी। फार्मेसी में क्या होता है, मेडिसिन, फार्मेसी स्टैंड्स फॉर मेडिसिन। इसमें जितने भी अदवायात हैं हमारी, मेडिसिन हैं, वो सारी स्टडी जो है वो फार्मेसी यानी फार्माकोलॉजी में की जाती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर अफेक्ट्स ऑन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी उस पर क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तमाम जितने भी अदवायात हैं, जो ड्रग्स हैं, उसकी सारी स्टडी जो है वो हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो डिवीजन और ब्रांचेस का एंड हो रहा है, हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है। अगर पूरे लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।